गुजरात में भारी बारिश से मचा हाहाकार, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आज भी 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, राहत और बचाव के लिए सेना भी तैनात। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। गुजरात में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। अभी तक 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिछले 3 दिन में 15 लोगों की बाढ़ से मौत की खबर। आसमानी आफत के आगे बेबस दिखे लोग, सड़कें और मकान सब पानी में डूबे। घरों के अंदर पानी में फंसे लोगों ने लगाई मदद की गुहार। राजकोट में 2 दिन से हो रही है भारी बारिश, मचा कोहराम, निचले इलाकों में जलभराव। घरों में फंसे 35 लोगों को राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू किया। मोज नदी में आई बाढ़ के पानी में फंसे 4 लोग, राजकोट नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गुजरात के नडियाद में शोधी नदी का कहर, गौशाला में फंसे 15 लोग, 12 घंटे के राहत और बचाव दल की मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद इन सभी को सुरक्षित निकाला गया। वडोदरा के खेड़ा से होकर गुजरने वाली महीसागर नदी का रौद्र रूप, नदी के बीच में फंसा एक आदमी, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। पास के इलाकों में अलर्ट जारी। गुजरात के मोरबी में भी जमकर बरसे बादल, हर तरफ सैलाब जैसा मंजर। नेशनल हाईवे के पास एक घर में फंसे लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू किया गया। वेरावल बंदरगाह के पास समुद्र की तेज लहरों में पलटी नाव, किनारे पर आते आते नाव का इंजन बंद होने से हादसा हुआ, लाखों का नुकसान। नाव में सवार मछुआरों ने बचाई जान। जामनगर में तेज बारिश से मची अफरा तफरी, पानी के तेज बहाव में बह गई पुलिस चौकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कार भी पानी में डूबने की कगार पर नजर आई। वडोदरा में हर तरफ तबाही का मंजर, अस्पतालों में भी गुस्सा बारिश का पानी। एसएसजी हॉस्पिटल में भूख से परेशान है कई मरीज, कई घंटों से नहीं मिली खाने पीने की चीज। पानी के तेज बहाव के साथ वडोदरा की समा झील के पास मगरमच्छ घुसा, इलाके में दहशत का माहौल। बस स्टैंड पर पानी का कब्जा तो सिटी बस सेवा पर भी ब्रेक लगी, लोगों की परेशानी बढ़ी। द्वारका में भी कई इलाके हुए जलमग्न, भारी बारिश के बाद कई गांव का भी संपर्क शहर से टूटा। राजस्थान के ब्यावर में तेज बहाव में फंसा ट्रक, ड्राइवर ने जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर वो चढ़ा, मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई। यूपी के बलिया में सरयू नदी में आई बाढ़ के पानी में समाया हनुमान मंदिर, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है नदी। बाढ़ से हो रहे कटान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में हुए बवाल को लेकर बीजेपी का बंद, धरने पर बैठे बीजेपी नेता, शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया। कल छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई का विरोध। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार का बयान, सरकार ने आज बंद की इजाजत नहीं दी है, लोगों से बंद में हिस्सा न लेने की अपील की है। आज पश्चिम बंगाल में खुले रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय, इमरजेंसी की स्थिति में छुट्टी पर गए कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को दफ्तर आना होगा, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी। नबन्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज्यादा गिरफ्तारी, डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कोलकाता में हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए कम से कम कार्रवाई की, बीजेपी का आज बुलाया गया बंद फ्लॉप साबित होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कहा इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे युवाओं पर कार्रवाई ठीक नहीं है, लोगों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बंगाल की तानाशाह मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया देखने को मिला, पूछा क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आप इन दोषियों की बचाने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार बोले, शांति आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई है, अरेस्ट किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में दिल्ली एम्स की विशेषज्ञों की राय लेगी सीबीआई, डीएनए और दूसरे फॉरेंसिक सबूत को लेकर के जाएंगे एम्स, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे।
सीबीआई जानना चाहती है कि अनूप दत्ता से संजय रॉय की फोन पर क्या बात हुई थी। एजेंसी को शक है कि अनूप दत्ता कुछ छिपा रहे हैं, क्या उससे हत्या की जानकारी थी। कोलकाता केस में एसआई अनूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट की इजाजत मिल चुकी है। आरोपी संजय रॉय का बेहद करीबी है अनूप दत्ता। वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने की थी अनूप से बात। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी है। मंगलवार को 11वें दिन भी सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। वारदात से जुड़ी कड़ियां जोड़ रही है जांच एजेंसी। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई के बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मामलों से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। दिल्ली में बीपीआरएनडी का 54वां स्थापना दिवस समारोह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति पदक विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। एनसीपी एसटीपी की आज वक्फ बिल आरक्षण सहित कई मुद्दों पर बैठक। एनसीपी ऑफिस में शरद पवार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुप्रिया सुले जयंत पाटिल शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीपी न्यूज से कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हांडी फोड़ेंगे। तेलंगाना के मंदिर में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर हिमंता बिस्व शर्मा का पलटवार। स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए चला रहे हैं राजनीतिक सामाजिक अतिक्रमण। असम में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। चंपई सोरेन ने एक्सपोज करके कहा कि कोल्हान क्षेत्र की जनता ने नकारा मेरे संन्यास लेने का विकल्प। बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बना है। बीजेपी ही इस मुद्दे पर गंभीर दिखती है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बीपी न्यूज से कहा कि झारखंड के मुद्दे को लेकर आया बीजेपी है। 30 अगस्त को करूंगा मैं बीजेपी को ज्वाइन। मैंने सार्वजनिक रूप से कही थी बात, लेकिन जेएमएम में किसी ने मेरी बात मानने की कोशिश नहीं की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झूठे प्रचार में जुटे विरोधी। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया, अब राज्यों के नेताओं की लुटिया डूबी तो दूसरे राज्यों से बीजेपी नेताओं को आना पड़ा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे हुए मुख्यमंत्री। सीता सोरेन के बाद चंपाई ने भी पार्टी छोड़ी है, अभी कई और लोग छोड़ेंगे जेएमएम। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने किया दावा, आज एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं जेएमएम के नेता। चंपाई सोरेन ने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। अररिया की घटना पर कहा कि बिहार में पूरी तरीके से चल रहा है राक्षस राज, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल पा रहा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 30 लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी में घमासान जारी है। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का घेराव किया, महिलाओं को टिकट देने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, गांदरबल के कार्यकर्ताओं ने जताई है खुशी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए 289 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को वोटिंग है। अनंतनाग के बीच बिहड़ा सीट से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले मां महबूबा मुफ्ती के साथ किया रोड शो। बिजबिहाड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सोफी यूसुफ बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, जनता समर्थन देगी। पहले चरण में प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के 4 कार्यकर्ताओं ने पर्चा भरा है। जमात इस्लामी ने आखिरी बार अपनी पार्टी चिन्ह पर 1987 में लड़ा था चुनाव। हरियाणा में जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। 70 सीट पर जेजेपी तो 20 सीट पर चंद्रशेखर आजाद पार्टी चुनाव लड़ेगी।
हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने जारी किया वीडियो। बीजेपी नेता गोविंद कांडा पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। विवादित बयान को लेकर के बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मानहानि का नोटिस। एक हफ्ते के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। माफी नहीं मांगने पर केस दर्ज कराएगी किसान संघर्ष समिति। कंगना के बयान पर हिमाचल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान को बताया किसानों का अपमान। कहा अन्नदाता का अपमान करने का किसी को हक नहीं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी को घेरा। कहा हमेशा कंगना का इस्तेमाल कर बीजेपी दिलवाती है ऐसे बयान। किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान का विरोध। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में एनएसयूआई ने किया प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी ने कंगना के इस बयान के खिलाफ हरियाणा के सभी जिलों में विरोध का प्रदर्शन किया। आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि ये बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा है। बीजेपी पर अखिलेश का हमला। कहा कंगना का बयान बीजेपी की स्क्रिप्ट है। शीर्ष निर्देशक के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही है अभिनेत्री। हरियाणा में तय हार को देखते हुए दिलवाया गया बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंगना के बयान पर कहा कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से कोई लेना देना वास्ता नहीं रखती है।